नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं और मेरे बचपन के पुराने मित्र एक साथ हैं। आज हम लोग राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास आए हुए हैं। हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग राजेंद्र नगर टर्मिनल को एक्सप्लोर करते हैं अपने मित्र शिवेश आनंद के साथ। आइए दोस्तों, चलते हैं हम लोग। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर, स्टेशन से काफ़ी दूर दूर के लिए गाड़ी खुलती है यहाँ पर। यहाँ दो दो राजधानी खुलती है, एक नया तेजस राजधानी भी स्टार्ट हो गया है। ये देखिए स्टेशन, लोग सब स्टीम इंजन में तस्वीर लेते हुए, भारत सरकार का लोगो, बहुत ही सुंदर। पुराने समय का सिग्नल, तो ये स्टीम इंजन है, बहुत ही पुराना समय का है जो कि भाप से चलने वाली है। ये बिल्कुल ओरिजिनल रखा हुआ है यहाँ पर, ये बिल्कुल पेंट किया हुआ, वेल मेंटेन्ड। नंबर भी मेंशन है WG9673, बिल्कुल ओरिजिनल। हमारा प्यारा तिरंगा, बहुत ही प्राउड मोमेंट, बहुत ही सुंदर। जय हिंद। ये है मेन एंट्री, गेट नंबर 4। प्रसाद की मूर्ति प्रतिमा, इन्हीं के नाम पर ये रेलवे स्टेशन है, राजेंद्र नगर टर्मिनल पूर्व मध्य रेलवे। यहाँ गाड़ी पड़ा, पार्किंग, काफी भीड़ है रेलवे टिकट काउंटर में, बहुत ज्यादा। अब हम लोग अंदर आ चुके हैं स्टेशन के अंदर। पीछे सिक्योरिटी चेक होता है, अपना बैग चेक करवाएं। सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं हम लोग, अब सामने चढ़ चुके हैं, चल रहे हैं अंदर। ये रहा हमारे पीछे लिफ्ट, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। नया लिफ्ट बनने के कागार पर, अभी बन रहा है, काफी समय लगेगी। हमें जाना प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, हमारी ट्रेन यहीं आने वाली है। हमारा प्यारा तिरंगा, बहुत ही सुंदर ये नज़ारा रेलवे स्टेशन के अंदर का है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 से लिया जा रहा है। अब चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, आ चुके हैं प्लेटफॉर्म 4 पे, साथ में ट्रेन का इंतजार हो रही है, थोड़े ही समय में आने वाली है। बहुत ही एंजॉय करते हुए, लेकिन काफी ठंड है यहाँ, बहुत ज्यादा ठंड है। रास्ते में भी पूरे ठंड की मस्ती लेते हुए चलेंगे हम सभी, आनंद उठाते हुए। काफी भीड़, चढ़ने या उतरने के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। कुछ लोग दौड़ भी रहे हैं। राजेंद्र नगर न्यू जलपाईगुड़ी, ये कैपिटल एक्सप्रेस है जो राजेंद्र नगर से चलकर कामाख्या तक जाएगी, भाया कटिहार होते हुए, कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी होते हुए जाएगी। बहुत ही भीड़, आनंद लिया जाए, बिस्किट का लिया जाए, बहुत स्वादिष्ट। ये बिस्किट हमारे मित्र के दीदी ने भेजे हैं हमारे लिए, धन्यवाद मित्र को भी और मित्र के दीदी को भी। ट्रेन आ चुकी है,
बैठ गए। हमारा तीन नंबर, हमारे फ्रेंड का 6 नंबर, दोनों अपर पर आराम से सुबह चलना है। अब मिलते हैं कल, यह ट्रेन बहुत सारी जगह रुकेगी, यहाँ से पटना साहिब, फतुआ, मोकामा, क्यूल होते हुए, जमालपुर होते हुए भागलपुर जाएगी, फिर भागलपुर से साहिबगंज, बड़वा होते हुए, मरक्का होते हुए मालदा तक जाएगी। साहिब कुआसा बहुत दर्द है, गुड मॉर्निंग भागलपुर, बहुत ज़्यादा ठंडा है, पूरा कुहासा ही कुहासा। आप सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना कम कम लाइट, ठंडा, अरे इतना ठंडा ठंडा हम लोग चल रहे हैं भागलपुर में। ये रहा, हम लोग भागलपुर पहुंच चुके हैं, दिख भी नहीं रहा है भागलपुर में। लोग पहुंच चुके हैं भागलपुर स्टेशन। हाँ, यहाँ से मुझे दूसरी गाड़ी पकड़नी है जो टाटा से चलकर गुड्डा की ओर जाएगी, वो ट्रेन अभी आ रही है, वो लेट है, इतनी फॉग के कारण ट्रेन लेट चल रही है। भागलपुर स्टेशन का नज़ारा, इतना कुहासा, कोहरा, घना कोहरा, इधर भी गुड्डा टाटा ट्रेन आती हुई 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ये तक था मेरा सफर अपने मित्र के साथ, शिवेश आनंद जी के साथ। अब आगे के सफर ये आपको दिखाएंगे ब्लॉग के जरिए, हम लोग बने रहे। बहुत ज़्यादा कुहासा, पूरा फॉग ही फॉग, धुंध धुंध। मंदार हिल रेलवे स्टेशन है, ये काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है। इस शहर का नाम है बौंसी, लेकिन इस रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा है मंदार हिल, क्योंकि यहाँ मंदार पहाड़ है, जो माना जाता है कि यह समुद्र मंथन के समय यही पहाड़ काम में आया था। यहाँ ये बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट है। यहाँ मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को लोग घूमने आते हैं। यहाँ बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है। यहाँ एक तालाब है जिसका नाम है पपरनी, वहाँ स्नान कर सकते हैं। ये हसडीहा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन का इंजन रिवर्स होगा, फिर हम लोग गुड्डा की ओर प्रस्थान करेंगे। वैसे मुझे पड़िया हाटी उधर जाना रुकना है हसडीहा, यहाँ से आप बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं, यहाँ से कोलकाता, सियालदह, दिल्ली, अभी ट्रेन टाटा नगर से आ रही है, रांची जा सकते हैं। ये बहुत बिजी रेलवे जंक्शन है, काफ़ी ठंड है यहाँ, बहुत काफ़ी फॉग भी हो रखा है। सुबह सुबह सूर्य का दर्शन, वाह, मौसम में गर्माहट आते हुए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फॉग। हसडीहा रेलवे स्टेशन का हाल, हसडीहा रेलवे स्टेशन का सोन पापड़ी बहुत फेमस है, मीन्स हसडीहा जो शहर है यहाँ पर सोन पापड़ी बहुत अच्छा स्वादिष्ट मिलता है, लोग यहाँ सोन पापड़ी लेके जाते हैं, ये सोन पापड़ी का सेंटर ही है। हसडीहा रेलवे स्टेशन से हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं, अब चलेंगे गुड्डा। ट्रेन तकरीबन 2.5 घंटे के विलंब से चल रही है। हसडीहा रेलवे स्टेशन काफ़ी लंबा स्टेशन ही है, बहुत लंबी गाड़ी। दोस्तों देखिए कितना कुहासा है, हम पड़िया स्टेशन उतर चुके हैं, यह पड़िया स्टेशन, ट्रेन लगी हुई है गुड्डा टाटा, अब चले अपने घर की ओर। टाटा नगर गोड्डा एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म से खुल रही है, गोड्डा एक्सप्रेस, टाटा नगर गोड्डा एक्सप्रेस 2 नंबर प्लेटफॉर्म से खुल रही है। ठंड भी काफी तेज। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें। दिख ही नहीं रहा, लगता है ट्रेन गायब हो जा रहा है बिल्कुल। चलिए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर का नज़ारा देखिए, बिल्कुल कुहासा। कुछ देर में ट्रेन गायब हो गई, अब दिख नहीं रही है, लगता है केवल मैं ही उतरा हूँ, कोई दिख नहीं रहा।
छोटे भाई रिसीव करने आए हुए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। काफ़ी ठंड है इधर, स्टेशन बिल्कुल ही खाली। चलते हैं बाहर, ये काउंटर कोई नहीं इधर। बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल।